चंद्रपुर गांव में राधा और उसका पति केशव अपनी बेटी गरिमा और सौतेली बेटी मैना के साथ रहते थे। राधा अपनी बेटी को स्कूल भेजती है और मैना को अपने साथ काम पर ले जाती है। एक दिन मैना की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ मुझे इस तेज धूप में काम करने की ताकत नहीं है, मैं घर जाऊंगी। माँ अगर मैं यहाँ रही तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या बात कर रही हो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे माँ मत कहा करो, तुम्हारी मावा नहीं हूँ मैं, सौतेली माँ हूँ। अगर तुम काम को बीच में छोड़कर चली जाओगी तो इसे कौन पूरा करेगा, आज के 500 रुपए हाथ से निकल जाएंगे। कुछ समय यहीं रुको, कुछ नहीं होगा। आंटी आप पैसे के बारे में सोच रही हैं, क्या होगा अगर इस गर्म धूप में आपके साथ कुछ हो जाए। पैसे के अलावा मुझे और क्या सोचना चाहिए। हम केवल काम करके ही अपना पेट भर सकते हैं ना, मरते समय तुम्हारी माँ कमा कर देकर नहीं रही, लाखों रुपए जिन्हें तुम्हें खाना खिलाने और कपड़े पहनाने में खर्च करें, मर नहीं जाओगी तुम धूप से। बिना कुछ बोले मैना सिर नीचे करके रो पड़ी। फुखद में, माँ आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए था तो अच्छा होता, रोज रोज मुझे इस तरह से डांट नहीं पड़ती। मैं सही कह रही हूँ माँ। क्योंकि वो दुखी थी अपनी आंखें बंद कर अपनी माँ को याद करने लगी। वो गर्मी के शुरुआती दिन थे लेकिन बाहर गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। मैना की माँ उसे खोज रही थी। मैना मैना बेटी तुम कहाँ हो, बाहर बहुत लू चल रही है। वो छाता पकड़े हुई थी और मैना को खोज रही थी। जब वो ढूंढ रही थी तो उसने देखा कि मैना अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। उसकी माँ उसके पास आई। बाहर गर्मी हो रही है बेटी, अब हम घर जाएंगे, इस तपिश में बाहर रहना अच्छा नहीं है। इस सूरज के कारण क्या होगा माँ? तुम्हें अभी पता नहीं है बिटिया, कुछ लोग तेज धूप में खड़े रहकर अपना जीवन भी खो देते हैं, सूरज की तपिश को सहन नहीं कर पाते ना, इसीलिए तुमको धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि वो प्यार से कह रही थी उसने छाता खोला और मैना उसके नीचे आ गई अपनी सहेली के साथ। माँ, मैना ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माँ शब्द सुना तो राधा ने सोचा कि वो उसे ही फिर से माँ बुला रही है। उसने नहीं सोचा कि मैना अपनी माँ को भी तो याद कर सकती है और गुस्से से बोली, फिर से अगर तुम मुझे माँ कहोगी तो मैं तुम्हारी जुबान जला दूंगी, क्या सोच रही हो, इधर आओ और काम करो। आंटी मैं सूरज को सहन नहीं कर पा रही हूँ। सहन नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ। अरे तुम्हारी माँ की किस्मत अच्छी नहीं थी इसीलिए वो बीमारी से मर गई, लेकिन तुम तो मजबूत हो, तुम जल्द नहीं मरोगी, कुछ नहीं होगा, काम करो चलो। आंटी मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, आप ये जरा भी नहीं सोच रही हैं और मुझे धूप में ला रही हैं और पापा से झूठ कहती हैं कि आप मुझे स्कूल भेजती हैं। आप दीदी की तो बहुत अच्छी तरह देखभाल करती हैं लेकिन मुझे इस तरह काम के लिए ले आती हैं। आज मैं पापा को बताऊंगी कि आप मुझे स्कूल नहीं भेजती, हम दोनों को बराबर प्यार नहीं करती। मैना ने कहा तो राधा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसके बगल में रखा कोड़ा उठा लेती है और मैना के हाथों पर मारती है। इससे मैना के हाथ लाल हो गए, जिसे देखकर वहां सभी ने मैना से सहानुभूति दिखाई और सभी ने राधा को डांटा। इससे राधा को मैना पर और गुस्सा आ गया। हर रात की तरह उस रात सभी ने भोजन किया लेकिन राधा ने मैना को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। केशव ने खाना खाते हुए राधा से कहा, मैना डिनर के लिए नहीं आई, उसे बुलाओ वो भी खा लेगी। उसने कहा है कि वो गरिमा के घर पहुंचने के बाद खाएगी, मैंने कुछ समय पहले ही पूछा था, मैं भी आखिर दोनों की ही तो माँ हूँ, उसने कहा कि वो बाद में खाएगी। पूरी रात मैना अपनी माँ को याद करके रोती है, वो रोती रहती है।
और थोड़ी देर बाद सो जाती है। वो अपनी माँ को सपने में देखती है। मैना बिस्तर पर सो रही थी। सुबह घड़ी में 8 बजे थे। ये देखकर माँ बाहर मैना के लिए गर्म पानी डालती है और मैना के बिस्तर के पास वापस आती है और कहती है, मैना मैना उठ जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। पड़ोसी घर और सामने के घर के बच्चे पहले ही उठ चुके हैं और ब्रश भी कर लिया है, नहा भी चुके हैं और अपने स्कूल बैग के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार है। इस तरह वो मैना को जगाने की कोशिश कर रही थी। नहीं माँ, मैं कुछ और देर सोऊंगी। मेरी प्यारी मैना, तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करना चाहिए और बड़ी होकर एक अच्छी नौकरी में लगना चाहिए। तब मुझे और तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व महसूस होगा और हम तुम्हारे बारे में सबको बताएंगे, मेरी बेटी। जब वो प्यार से उसे मना रही थी, मैना खुश हुई। वो तुरंत उठकर अपनी माँ के गाल पर चूमती है और नहाने के लिए चली जाती है और 10 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल जाते समय वो अपनी माँ को बाय कहती है। अगली सुबह केशव काम पर निकल गया, तब मैना ने राधा के पास आकर कहा, आंटी बाहर बहुत गर्मी है, मैं आज काम करने नहीं जाऊंगी, मैं बहन के साथ स्कूल जाऊंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मैना, अगर तुम स्कूल जाती हो तो तुम्हारे स्कूल और कपड़ों के लिए पैसे कौन देगा? तुम चालाकी काम छोड़ने की सोच रही हो? स्कूल का सिर्फ बहाना है ना? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम काम करोगी तुम, और स्कूल नहीं जाओगी। अगर तुम काम पर नहीं आती हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए भी नहीं दूंगी। मैं काम करूं तब भी, क्या आप मेरा ख्याल रख रही हो? कल त्योहार के दिन भी मैंने फटे कपड़े ही पहने थे, सब मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। आप सब खाना बनाकर ताजा खाते हो, बचा हुआ खाना आप मुझे अचार और मिर्ची पाउडर के साथ खाने को देती हो। काम करो या नहीं, मेरे साथ तुम बुरी ही रहोगी। मैना की बातें सुनकर राधा ने चूल्हे से एक जलती हुई छड़ी ली और मैना के हाथ को जला दिया। मैना अचानक चिल्लाई, माँ! उसकी आवाज सुनकर गरिमा बाहर आई और बोली, क्या माँ, तुमने दीदी का हाथ क्यों जलाया? वो भी मेरी तरह बच्ची ही है ना, कौन माँ ऐसा करती है? उसे कितना दर्द हो रहा होगा, ये नहीं समझती? क्या गरिमा, तुम अपनी सौतेली बहन की तरफ से ही बोल रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने उसका हाथ नहीं जलाया, पता नहीं किन ख्यालों में थी, उसने खुद ही चूल्हे से उस जलती छड़ी को हाथ पर लगा लिया। मैं भी उसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई अभी यहाँ आई हूँ और तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। हाँ माँ, क्योंकि तुम हमेशा बहन को डांटती रहती हो, अगर बहन कोई छोटी सी भी गलती करती है, इसीलिए मुझे लगा कि तुमने ही उसका हाथ जलाया। रुको माँ, मैं दवाई लाती हूँ। गरिमा अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई, राधा ने कहा, मैना देखो, मुझे अपनी बेटी के दिल में बुरा मत बनाना, अगर तुम घर पर किसी को बताती हो तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, फिर तुमको सड़क पर एक अनाथ बनकर भटकना होगा इधर उधर। बात समझ में आ गई? फिक्र मत करिए आंटी, मुझे पता है कि मुझ पर जरा भी दया नहीं आपको, मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जान गई हूँ। मैं आपको इतनी आसानी से छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, किसी दिन आप मेरे पिता को भी धोखा देगी। आप भले ही मुझे मार दें, मैं वापस आ जाऊंगी। इस बीच गरिमा वहां आई। माँ ये लो, दीदी के हाथ पर दवा लगा दो। राधा बिना कुछ बोले दवा लेती है और मैना के हाथ पर लगाती है। काफी दिन बीत गए हैं, मैना का घाव भर गया है। तुरंत हर रोज की तरह राधा काम करने के लिए मैना को ले जाती है। काम खत्म करने के बाद एक दिन राधा चोरी करने के लिए बगल के बगीचे में मैना को ले गई। बगीचे में ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, राधा एक पेड़ पर चढ़ गई और फलों को तोड़ने लगी। एक सांप ने राधा को काट लिया। अयो, एक सांप ने मुझे काट लिया, बचाओ बचाओ मुझे, वो चिल्ला रही थी, क्योंकि कोई आसपास नहीं था, कोई भी नहीं आया। सांप के कांटे का जहर उसके शरीर में फैल रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था। राधा तड़प रही थी।
मैं ना, मुझे बचाओ, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ बेटी। अभी हम दवा देने वाले सिद्धा के पास नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी नहीं है, मुझे बचाओ मैना, मदद करो। मैना भी घबरा गई, वो सोचती है कि राधा को कैसे बचाया जाए। कुछ दूरी पर फल बेचने वाला एक ठेला खड़ा था। मैना बिना देर किए उस ठेले को ले आई, उस पर राधा को लिटाया और ठेले को धक्का देकर आगे बढ़ाया। ठीक समय पर वो सिद्धा के पास पहुंच जाती है, उसने उसे दवा दी। रात भर मैना जाग रही थी और राधा की देखभाल कर रही थी। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना व्यवहार उसके प्रति बदल दिया।